श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और आए दिन तमाम लोग धार्मिक संस्कारों को करने यहाँ आते हैं। लेकिन कुछ समय से सरयू में लोगों के डूबने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें आम जनता प्रशासन को दोषी ठहरा रही है। घटना 5 जून की है। हुआ यूं कि एक परिवार मुंडन संस्कार के लिए सरयू के तट पर आया हुआ था। संस्कार करते समय बच्चे को लेकर व्यक्ति गहराई में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देख दो भाई नदी में कूद गए। उन्होंने बच्चे और व्यक्ति को बचा लिया और खुद डूब गए। मौके पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस और गोताखोर लड़कों को बचाने के लिए पहुंचे पर बचा नहीं पाए। इस पर डूबे युवकों के परिजनों का ये कहना है कि पुलिस और गोताखोरों ने लड़कों को नहीं ढूंढा और गहराई में जाकर ढूंढने के लिए पैसों की मांग की। उनको बोली पूरा बाहर तो ढूंढो, अंदर गहराई तो ढूंढो, कोई नहीं ढूंढ रहे, तैराक भी नहीं अंदर भेज रहे, खाली बोट पे कहां से जाल में मिलेगा उनको। अंदर तो गहराई में कब से बोलूं, गहराई में ढूंढो, आगे पुल के आगे ढूंढो, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तैराक अंदर नहीं डाल, गहराई में जाल थोड़ी जाता है। गहराई में इंसानों को भेजो, जो तैराक है, जो जा सके अंदर, उनको भेजो अंदर। 3 घंटे से ढूंढे, 3 घंटे से 2 दिन नहीं मिला उनको, पूरा देश ढूंढने नहीं मिला उनको। टाइम पास करने खाली पुलिस वाले, पैसे खाली चाहिए बस इन लोगों को, जान नहीं चाहिए। वही पुलिस के आला अधिकारी का कहना है कि लड़कों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। नाव पे आने का थोड़ा सा और गहरे पानी तरफ चले गए तो वो डूबने लगा हुआ आदमी लेकर के बच्चे को, तो उसको बचाने के लिए 2 युवक उसको कूद गए वहाँ पर। उन्होंने उसको बचा कर दोनों को बाहर निकाला और उसके बाद में एक लड़का और बाहर निकल कर आ गया और 2 लड़के उसमें जो है गहरे पानी में डूब गए। उसमें वहाँ पर बहुत सी है, उसी में लोग चले गए उनको निकालने के लिए। तत्काल सूचना पर वहाँ जितने भी नाविक और गोताखोर हैं उनको सभी को लगाया गया है। सभी लोग वहाँ पर लगातार सर्च कर रहे हैं, अभी तक उनके शव नहीं मिल पाए हैं। प्रयास जारी है कि उनकी जल्दी से जल्दी निकले, परिजनों को सांत्वना मिल सके। वहीं गुस्साए परिजनों और स्थानियों ने रोष प्रकट करते हुए सड़क को जाम कर दिया और आए दिन सरयू नदी में होने वाली मौतों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनवाइड।